एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बहुत अच्छे हैं। ये ब्लॉग मोस्ट रिक्वेस्टेड ब्लॉग है अब तक, वैसे होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो ब्लॉग है जिस इंसान से रिलेटेड है, वो इंसान को मेरे लाइफ में जो भी हमें जानते हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो उसे नहीं जानता हो। तो ये वीडियो मेरी बेस्टी के लिए, मेरी सोलमेट, मेरी पुछ को, मतलब जो भी कह लीजिए आप, 2013 से माहिन के बारे में कौन नहीं जानता, मेरे फैमिली से लेकर के उसके फैमिली में, मतलब जितने हम लोग के खानदान है सब जानते हैं कि हाँ, इसके लाइफ में हम है, मेरे लाइफ में वो है। इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले शादी मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे नई जर्नी के लिए। अल्लाह पाक तुमको और जीजू को हमेशा खुश रखे। आगे बहुत सारे जो भी लाइफ की जर्नी है उसको तुम अच्छे से जियो, जो तुम चाहती थी करना वो करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये ब्लॉग में माहिन की शादी में जैसे कि हल्दी हुई थी, फिर मेहंदी हुई थी, फिर एक शादी हुई, तो उस चीज़ की वीडियो है। शुरू होती है माहिन की शादी की रस्म, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग सारे फ्रेंड्स, मतलब जितने पॉसिबल थे मुंगेर में, वो सारे आए, और फिर हमारी नॉनस्टॉप बातें। मिलाद होने के बाद सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है, तो और यहाँ पे फूफी लोग हल्दी कूट रही है, तो आप लोग एंजॉय करिए आगे की रस्म। बाहर तो चल रही है हल्दी की रस्म और अंदर हमारा फोटोशूट चल रहा है, क्योंकि माहिन का जो फ्रेंड्स फोटो क्लिक कर देती है उतना अच्छा तो फोटोग्राफर भी क्लिक नहीं करता, थोड़ा इस पोज में थोड़ा उस पोज में, तो हम लोग भी माहिन का वो किए और फिर वीडियोस भी बनाए। और यहाँ पे फूफी लोग हल्दी कूट लेने के बाद हल्दी पीसने के लिए जा रही थी दूसरे के घर में, क्योंकि ये भी एक रस्म है। मन सकल दिखाओ जी, हरी शरारत सब जानू मैं तोरी, हर सले मन बंगा। और अब जाकर फाइनली वो टाइम आ ही गया जब माहिन की एंट्री होनी थी हल्दी के लिए। इतने सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में, इतने सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। सारी रस्म हो जाने के बाद अब टाइम है माहिन का फोटोशूट का, जो कि कैमरामैन करवा रहे थे इन डिफरेंट डिफरेंट पोजेस में। और लास्टली फैमिली फोटोज हुई माहिन की और केक कटिंग हुई।
सबसे पहले हमारे दिन की शुरुआत होती है जब हम और आकांक्षा एक दूसरे को डिसाइड करते हैं कि मेहंदी लगाएं, कम से कम इसी बहाने हाथ रेड तो हो जाएगा और महीन के साथ दिए तो वाई नॉट। फिर हम लोग डिसाइड करने के बाद गूगल पे सर्च किए, फिर जो इजीएस्ट डिज़ाइन लगा मिला हम लोगों को एक दूसरे पे लगाया। जब सूख गई तो फिर हम लोगों को महीन के घर भी जानी थी, तो फिर हम लोग निकल लिए महीन के घर जाने के लिए। और यहां से स्टार्ट होती है महीन की मेहंदी की रस्में। बहुत सारे लोगों की क्वेश्चंस थी कि पत्ते वाली मेहंदी क्यों, क्योंकि हम लोगों में कंपलसरी होता है पत्ते वाला मेहंदी भी लगाना। उसके साथ आप डिज़ाइन भी लगा सकते हो, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं होना ज़रूरी है। मेहंदी लगाने की शुरुआत मोस्टली घर वाले ही करते हैं, पत्ते वाले मेहंदी की हम बात कर रहे हैं। रस्में थी और अब लग रही है फाइनल वाली मेहंदी, जो कि माहिन को फिर ड्रेस चेंज कराया गया एंड देन ये रही छापा वाली साड़ी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है माहिन पे। फिर जाकर के सब से फ्री हो गए तो फिर हम लोगों की मस्ती चल रही थी यहाँ पे माहिन के साथ, और बेचारी कुछ ज्यादा ही थके हाल में। फिर हम लोग निकल लिए घर के लिए, 6:30 बज चुके थे और हम लोगों को वापस निकाह के लिए रेडी होके आना भी था क्योंकि आज ही के दिन निकाह भी है। और फिर हम सोचे माहिन तो देख नहीं सकती है बाहर का, तो हम सोचे कि क्यों ना उसके लिए हम शूट कर ले ताकि वो बाद में देख सके। और ये रहा हमारा ग्रुप जो कि माहिन के इर्द गिर्द है हम लोग, क्योंकि अभी माहिन की थोड़े टाइम में निकाह भी होने वाली है, तो सब साथ में थे एक साथ, तो सोचे एक बार दिखाया जाए। ये वो सारे काम है जो कि माहिन हमसे बहुत टाइम से करवाना चाहती थी अपने शादी के लिए, तो फाइनली हम उसके सारे विशेष को पूरी किए, खाना खिलाने से लेके पैर दबाने तक का। बाराती भी आ चुकी है और अब होने वाली है निकाह, उसकी तैयारी की जा रही है, तो सबसे पहले नथ पहनाया जाता है, उसी के साथ निकाह भी होती है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाह, तेरे नाम से शुरू हुआ तेरे नाम। और यहाँ निकाह भी मुकम्मल हो गई, जो लोग भी आए थे मिलने के लिए वो मिल लिए, और अब माहिन फाइनली फ्री है, तो हम सोचे चलो हम भी थोड़ा शूट कर ले और फिर किए हम लोग अपने दावत को एंजॉय। यहाँ जीजू को भी खाना खिला दिया गया। उसके बाद जो रस्म होती है, साली जो होती है वो हाथ धुलाती है और उसके बाद उसमें नेक भी मिलता है, तो यहाँ पे उसी चीज़ की डिस्कशन चल रही है। नेक्स्ट डे, अभी बज रहे सुबह के 8 और जैसा कि रात में निकाह हो गई थी तो अभी रुखसती होनी है, तो उससे पहले शादी की भी रस्में हो रही है और सबसे पहले यहाँ पे पान खिलाने की रस्म चल रही है। हम लोगों में ना ज़्यादातर निकाह के टाइम मेकअप नहीं किया जाता, विदाउट मेकअप होता है नथ और टीके के साथ। तो जब निकाह हो जाता है उसके बाद मोस्टली लोग मेकअप करते हैं, दुल्हन की बात कर रहे हैं हम। तो अब जब माहिन की रुखसती होनी है तो उसके पहले माहिन का यहाँ पे मेकअप किया जा रहा है, जैसे कि चोटी वगैरह बहुत सारी होती है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे माहिन तैयार हो गई, उसके बाद की जो रस्म है जीजू के साथ तो यहाँ पे वो सारी हो रही है। तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं। इसके लिए भी बहुत सारे रस्में होती है, तो वो सारी रस्म करने के बाद एक मोदी खाई की भी रस्म होती, तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वो वाली क्लिप मेरे से मिस हो गई है, तो वो भी कराया जाता। ये रहे हम और ये रही आकांक्षा, जो कि हम लोग अब बिल्कुल थक चुके हैं, क्योंकि एक एक क्लिप शूट करने के लिए बहुत मेहनत लगती है जब आसपास बहुत सारे लोग हो प्लस कैमरामैन हो। उसके बाद हम लोग भी शूट किए और यहाँ विदाई के पहले लड़की को गोदी दिया जाता है, तो यहाँ पे वो आंटी दे रही है महिन को। लकीरों से तेरी मोहब्बत
never get enough. You got me all in love with you. So many things I do, and girl, you never wanna judge. Maybe you're the reason that I ever fell in love. You never gave me drama, so no need to walk away. Girl, I just wanna be right with you every single day. तब की क्लिप है जब पहली बार माइन शादी करके अपने घर आई थी और फिर हम उससे मिलने गए थे, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए थे। हम लोगों का ढीठपना तब भी वैसा ही था, अब भी वैसा ही है। तब भी ये लड़की मेरे व्लॉग में आने से शर्माती थी और अभी भी शर्माती है। कुछ चेंज नहीं हुआ, हम लोग वैसे थे जैसे थे वैसे ही अभी भी है। आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे। इस ब्लॉग में अगर कोई मेरा सबसे ज़्यादा साथ दिया है तो वो है आकांक्षा। तो आकांक्षा का हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मेरे लिए, मतलब वो कहाँ कहाँ चढ़ के टाइटैनिक पोज में मिलके वो वीडियो शूट की है मेरे लिए। तो अच्छे दोस्त आपके पास है तो उन लोगों को संभाल के रखिएगा जो आपके पास अभी केयर करते हैं, आपका साथ देते हैं, तो उसका साथ भी उतना ही अच्छे से दीजिए। तो थैंक यू सो मच। ये कहते हैं ना सेल्फिश वर्ड उसमें आता ही नहीं है फ्रेंडशिप वाले रिश्ते में। तो सेल्फलेस होकर हम लोग सब एक दूसरे के साथ इन्जॉय किए हैं और महीन की शादी को फुल ऑन इन्जॉय किए। तो वैसे तो आप लोग मेरा ब्लॉग देख ही चुके हैं, उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा और बहुत सारा प्यार दीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशन करिए। वीडियो पसंद आई हो मेरी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।